अगली खबर रोहतक से है। रोहतक जिले के संपला कस्बे में रोड पर अंडर कंस्ट्रक्शन मकान की छत पर काम करते समय दो मजदूर 11,000 वोल्ट की लाइन के संपर्क में आ गए, जिससे दोनों मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। उसे बचाने आए दूसरे मजदूर को करंट लगने से गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी सावेज के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही बिजली विभाग के अधिकारी व संपला थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सुबह करीब 9:30 बजे सुनील जी ने मेरे को बताया कि 11 kV लाइन पर लाइन है हमारी, उसके ऊपर कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसमें जो है एक मजदूर की वही मौके पर मौत हो गई है, दूसरे को हॉस्पिटल में लेके गए हैं। किसका मकान था और कौन सी जगह पे? जानकारी के अनुसार भी पता चला है कि रिंकू नाम का व्यक्ति लाइन के नीचे कंस्ट्रक्शन करके अपना मकान बना रहा है। तो मौत हुई है, क्या पहले हाई टेंशन तार के नीचे जो काम कर रहे हैं उनको नोटिस वगैरह दिया गया था जो बिल्डिंग के अंदर आ रहे थे? मेरी जानकारी में यही आया है, उसको पहले भी देखा गया था कि वो लाइन के नीचे कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको वर्बली बोला भी गया था और उसको एक हफ्ता पहले लिखित में नोटिस भी दिया गया है। जो भी उन्होंने वहाँ पर लेबर थी उन्होंने लेने से मना कर दिया था, तो उसकी दीवार के ऊपर जो है ना नोटिस लगा दिया गया। तो अब सरासर लापरवाही का मामला है जो सामने आया है, एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, दूसरा झुलस रहा है, तो अब